हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कल सैटरडे को हमारे एफएम मैडम ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। अनाउंसमेंट काफी हुई लेकिन उसमें से हम एक अनाउंसमेंट पर डिस्कस करेंगे जो कोयल इंडिया के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट है, उसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि क्या अनाउंसमेंट करी और उसका स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या क्या हो सकता है, उन सब का आज हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं विनती करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ में मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मैं रेगुलर बेस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियोस और टारगेट और लेवल अपलोड करता रहता हूं। और अगर मेरी कभी वीडियो नहीं आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल में मैं आपके साथ व्यू शेयर करता रहता हूं, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर फ्री में आपको यहाँ पर काफी लर्निंग मिल पाएगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी जैसे वॉल्यूम एनालिसिस, प्राइस एक्शन और बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप आपके साथ शेयर की हुई है, तो उन सब की वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं और उन सब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहिए और भी आपके साथ मैं लर्निंग वीडियो शेयर जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे एफएम मैडम ने क्या अनाउंसमेंट करी है। तो दोस्तों वो अनाउंसमेंट ये थी कल सैटरडे को कि उन्होंने एक तो 50,000 करोड़ उन्होंने कोयल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेटेड किए हैं और साथ में इसको बिल्कुल कमर्शलाइजेशन करने पर जोर दिया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मैडम ने नियरली 50 कोल ब्लॉक्स विल बी ऑफर इमीडिएटली द एफएम सेट, मतलब कि अभी जो 50 कोल्स माइनिंग है उनको तुरंत ही जल्दी ही वहां पर नीलामी के लिए वहां पर ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि वहां पर नीलामी होगी और इसमें एनी पार्टी कुड बिड फॉर कोयल ब्लॉक्स सेल इन द ओपन मार्केट, उसको ओपन मार्केट में कोई भी इसको बिड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मोटा मोटा ब्रीफ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों ब्रीफ में विश्लेषण ये है कि अभी कोयल इंडिया का मोनोपोली पर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल मोनोपोली खत्म हो जाएगी, इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और इस पर 50,000 करोड़ भी एलोकेटेड कर रहे हैं हमारे एफएम मैडम। तो दोस्तों ये एक बार ये जरूर हो सकता है कि इसका एक बार नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े स्टॉक पर, लेकिन हमें स्टॉक का पूरा एनालिसिस करना होगा कि क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट कितना पड़ेगा और आने वाले दिनों में स्टॉक का प्राइस कहां जाएगा, अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैं एक बेसिक फंडामेंटल आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इसका जो मार्केट कैप है 79,000 करोड़ है और इसका यहाँ पर पीई अभी 16 के पास है, 16 है और यहाँ पर आप देख पा रहे डिविडेंड 10% है, तो डिविडेंड के मामले में ये कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या इसका स्टॉक भी वैसा था उसका अभी हम एनालिसिस करते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करें तो उसमें मंथली चार्ट जरूर ओपन करके उसका एनालिसिस किया करो। अगर मान लो आपने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर वहां से एग्जिट होना है तो अगर आप मंथली चार्ट का एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे तो आप एक अच्छा एनालिसिस कर पाओगे। तो इसका मंथली एनालिसिस में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका जो हाई बना था वो 440 के करीब बना था और उसके बाद से कंटिन्यू ये एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। तो ये इसकी जो ये 20 और 50 डेज की मूविंग एवरेज भी आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस 129 चल रहा है वो ऑलरेडी मंथली चार्ट पे 20 डेज की मूविंग एवरेज के बिलो है। तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है हाउ टू फाइंड अ मल्टीबैगर स्टॉक्स, तो उस वीडियो में भी बताया होगा कि आपको मंथली और वीकली चार्ट कैसे देखना है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर देखें। और दोस्तों मैं आपके साथ एक वॉल्यूम का भी यहां पर एनालिसिस शेयर करता हूं कि आपको कैसे पहले से पता चल सकता है कि आपको स्टॉक से
एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मंथली चार्ट में आप देखोगे कि कैंडल कंटिन्यू अप मूव में जा रही थी, थोड़ा स्लोली स्लोली प्राइस ऊपर जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर शायद बहुत से ट्रेडरों को लगा होगा कि प्राइस अभी ऊपर जाने लग गया है, स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो इसका वॉल्यूम बार बने थे, जो पहली वॉल्यूम ये ग्रीन बार बनी थी, उसके बाद से कंटिन्यू जो बार बनने बन रहे थे वो उसके डाउन बार बन रहे थे, मींस वॉल्यूम वहां पर कम थे, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहे थे, प्राइस आपका धीरे धीरे बढ़ रहा था लेकिन वॉल्यूम कम हो रहे थे। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपका प्राइस बढ़ रहा होता है और वॉल्यूम कम होने हो रहे हैं तो वहां पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने वॉल्यूम एनालिसिस अभी तक नहीं सीखा है या आपने मेरी वो वाली वीडियो वॉल्यूम एनालिसिस नहीं देखी है तो उसका भी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाकर वॉल्यूम एनालिसिस की वीडियो को जाकर जरूर देखें, तभी आप एक स्टॉक में किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक सफल ट्रेडर तभी बनोगे जब वॉल्यूम एनालिसिस करना सीख जाओगे, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे कि जैसे वॉल्यूम कम हुए तो फिर एकदम से वहां पर रेड वॉल्यूम बनने स्टार्ट हो गए मंथली चार्ट पर, और कितने ज्यादा वॉल्यूम से यहां पर हमें बिकवाली देखने को मिली। दोस्तों, इसका वीकली चार्ट भी आप देखोगे तो वीकली चार्ट में इसका कंटिन्यू डाउन साइड में ही है, इसका 20 डेज और 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही प्राइस चल रहा है वीकली चार्ट में भी। तो यहां से भी कन्फर्म है इसका भी डाउन ट्रेंड है, और इसने जो लोएस्ट बनाया था वो 119 के पास लोएस्ट बनाया था, और अभी हम इसका डेली का चार्ट पर भी एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देखोगे कि डेली के चार्ट पर मैं आपके साथ एक प्राइस एक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पर आप देखोगे कि ये स्टॉक्स 2019 में यहाँ पर आप देखोगे कि ये 180 के पास जाता था और वहां से 215 के पास इसमें बिकवाली आनी स्टार्ट हो जाती थी। तो यहाँ पर देखोगे 180 के पास आता बाइंग और 215 के 16 के पास यहाँ पर बिकवाली आनी स्टार्ट हो जाती थी, और ये जैसे यहाँ पर एक बार हाई बना, दो बार, तीन बार जब इसका हाई बनने के बाद जब ये 180 का लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ उसके बाद से ये दोबारा लेवल नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पर लेवल के ब्रेक होने और ब्रेकआउट होने का भी हमें वेट करना चाहिए जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये स्टॉक का लो यहाँ पर ब्रेक हुआ था और उसके बाद से कंटिन्यू डाउनफॉल हमें देखने को मिला। अगर दोस्तों मैं स्टॉक का बैक कम थोड़ा और बैक जाकर भी यहाँ पर एनालिसिस करूं तो आप देखोगे ये स्टॉक एक बार नीचे से ऊपर जुड़ जाता है, नीचे से ऊपर जुड़ जाता है, और लेकिन फिर से जब इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ से फिर से इसमें एक तेज गिरावट आती है। तो आप इसका बैक टेस्टिंग में ये देख पाते हैं कि एक बार बाउंस बैक जुड़ जाता है, वहां पर ट्रेडर को फंसाता है कि शायद अब चाल चलने लगी है, लेकिन वहीं से फिर इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसमें भी आपने क्या देखना है, अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर अगर इसका लिए लो ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे यहाँ पर क्लियरली वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाती है डाउनफॉल में, तो वहां पर आप ने इसमें से एग्जिट हो सकते हो, अपनी पोजीशन को कम कर सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपने इसमें एग्जिट होना है तो जैसे ही अगर ये 150 के पास जाता है, इसके ऊपर थोड़ा जाता है, क्योंकि आप देखोगे कि ये 50 डेज की मूविंग एवरेज के एक बार ऊपर जाता है लेकिन वहां से फिर से इसका फॉल आना स्टार्ट हो जाता है, तो 150 के पास इसमें आपको अगर मौका मिलता है तो वहां पर आप पोजीशन एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको डाउन ट्रेंड के स्टॉक में नहीं बने रहना है, क्योंकि अभी तो मार्केट और भी काफी गिरी हुई है। तो आप अपने जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना है तो अप ट्रेंड वाले या फिर अच्छे स्टॉक्स हैं जो अभी नीचे आए हुए हैं तो उनमें आप एनालिसिस करिए। उनमें एनालिसिस कैसे करिए, उनमें वॉल्यूम का एनालिसिस करिए, डिलीवरी परसेंटेज देखिए और प्राइस एक्शन को देखिए, मूविंग एवरेज को देखिए, सारे एनालिसिस करने के बाद तभी उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहां पर अभी कोयल इंडिया की बात करें तो कोयल इंडिया में अभी आपने इस स्टॉक से अभी दूर रहिए, अगर आपने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है अभी इसको ना बाय कीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप लो टूटता है तो उसमें और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, और अगर आप इसमें ऑलरेडी बने हो तो ऊपर के लेवल में जब भी इसको आपको मिलते हैं तो वहां पर एग्जिट होने की ही सोचें, अपनी पोजिशन कम करने की ही सोचें, इसमें बाइंग का मत देखिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के पर्पज से शेयर नहीं है। हाँ, इसमें आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपने स्विंग ट्रेडिंग उसमें 10-15% आपको प्रॉफिट मिलता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस एक्शन में 180 से 215 के पास इसमें कई बार मौका मिला, तो वहां पर आप यहाँ पर इसको इस तरीके से इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मेरी पर्सनली सजेशन नहीं है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए।
और दोस्तों फर्दर अगर कोई भी गवर्नमेंट इसमें अगर कोई चेंज करती है, माइनिंग में फिर से कोई चेंज करती है, तो उसकी भी मैं अपडेशन आपको टेलीग्राम चैनल में जरूर दे दूंगा, या फिर अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल में जरूर शेयर कर दूंगा। तो इसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो और एनालिसिस से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक में क्या करना है कि और कैसे हमें डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने इस न्यूज को सुन लिया और वो कहीं यहाँ पर बाइंग करने की सोच रहे हो। तो ऐसा अभी मत कीजिए, स्टॉक को देखिए, 2-4 दिन वेट कीजिए कि स्टॉक कहाँ जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता है, आपको खुद ही इसका पता चल जाएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से ज्यादा लाइक कीजिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।